जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी की बुक ईवीएस चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो आप इस चैप्टर में कर सकते हो। साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल भी दिए जाएंगे, सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 वाटर ओ वाटर। ये है हमारा एनसीईआरटी थर्ड क्लास का चैप्टर, राइट। तो सबसे पहले हमने, अगर हम अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले चैप्टर में हमें एक वाटर से रिलेटेड एक पोएम दिखेगी, उसको हमें पढ़ना है, समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी पकड़ना है। सो क्या है इसमें, वी विल वॉश माय फेस विद वाटर, यूज बता रहा है। वी ऑल थ्रिस्ट विद वाटर, हम अपनी प्यास बुझाते हैं। वी ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, वॉटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, बहुत पुराने समय से है। समवेयर इट इज ड्यू स्नो, काफी अदर अदर फॉर्म्स में भी होता है। किस किस फॉर्म्स में हम देखते हैं वो पूरे चैप्टर में जानेंगे। सो आप जो ये वाटर से रिलेटेड कुछ लाइंस है इनसे गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, अपनी बुक से भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड हमें ये जानना है कि एक्चुअल में वाटर का यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के, वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, इससे रिलेटेड पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के साथ पहले बने रहिएगा, जैसे ही आपको जरूरत महसूस होगी कि हमें सोर्सेज ऑफ वाटर को बहुत गहराई से समझना है, यूजेस ऑफ वाटर को भी बहुत अच्छे से देखना है, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। अभी हम वीडियो के साथ कंटिन्यू रहते हैं। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, क्या आप किसी किसी पोएम को या किसी सॉन्ग को जानते हैं जो वाटर से रिलेटेड है? अगर जानते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, राइट। व्हिच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हमें वाटर मिलता है, कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहां हमें वाटर मिलता है। रिवर है, वॉटरफॉल है, लेक है, पोंड है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमें वाटर मिलता है। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, क्या आपको पता है? हम बुक्स में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया, पोंड हो गया, और सी हो गया, और भी बहुत सारे हम यूजुअली बुक में पढ़ते हैं। अकेला सोर्स ऑफ वाटर है रेन, रेन ही एक्चुअल सोर्स ऑफ वाटर है। अगर जहां भी जिस एरिया में रेन नहीं होती या बहुत कम होती है वहां पे वाटर लेवल अपने आप डाउन चला जाता है, लेक सूख जाती हैं, वाटरफॉल भी खत्म हो जाते हैं। वाटरफॉल एक्चुअल में होते कहाँ हैं, पहाड़ी एरिया में। अब वहां पर तो स्नो होगी, स्नो पिघलेगी तो वाटरफॉल अपने आप आएंगे, राइट। लेकिन जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल का एरिया जहां पे बहुत सारे रेत ही रेत है, वहां पर पानी कहां से आएगा, राइट। तो एक्चुअल में सोर्स ऑफ वाटर सिर्फ रेन ही है, राइट। अब क्या करना है, टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है जिसके लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, हमें सिर्फ उसको टिक करना है। क्या हमें प्ले करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। सिंग करने के लिए? नहीं पड़ती। टू रो अ बोट, हाँ बिल्कुल पड़ती है, वी कैन टिक। हमें कश्ती चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, राइट, या बनाने के लिए। देन क्या है, टू राइट, लिखने के लिए जरूरत पड़ती है? नहीं। टू मेक टी, यस, चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। टू नीड डो, डो को, आटे को गूंदने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, राइट। टू रन अ फैन, बिल्कुल भी नहीं, फैन को चलाने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। टू पेंट पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने के लिए, यस, पानी की जरूरत पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स, हाँ प्लांट्स, जैसे हम पानी पीते हैं जीवित रहते हैं, इसी प्रकार प्लांट भी पानी पीते हैं और वो भी ग्रो करते हैं, राइट। सो पानी
प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वॉटर। ऐसी फोर एक्टिविटीज बतानी है जो हम बिना पानी के कर सकते हैं, बिना पानी के कौन कौन सी है। लाइक हमने लिखा टू प्ले, और क्या कर सकते हैं, टू रीड, टू राइट, राइट। ये सब क्या है, ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम बिना पानी के कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हम विदाउट वॉटर नहीं कर सकते, कौन सी एक्टिविटी है। स्विमिंग, स्विमिंग हम बिना पानी के कर सकते हैं, नहीं। बाथिंग, क्या हम नहा सकते हैं बिना पानी के, बिल्कुल भी नहीं। और क्या कर सकते हैं, वॉशिंग, क्या हम कपड़े धो सकते हैं, क्लोथ वॉशिंग कह सकते हो, क्या हम कपड़े धो सकते हैं बिना पानी के, बिल्कुल भी नहीं। और भी आप यहाँ पर लिस्ट बनाकर लिख सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर आप पानी का यूज करते हो। आप सोचिए सुबह से शाम तक कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे आप पानी का यूज करते हो, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे आप पानी का यूज नहीं करते। दोनों की एक लिस्ट बनाइएगा, जैसे आप ब्रश करते हो तो पानी का यूज करते हो, नहाते हो तो पानी का यूज करते हो, कोई क्लीनिंग करनी है तो पानी का यूज करते हो, राइट। लेकिन अगर रीड करते हो तो पानी का यूज नहीं होता, राइट करते हो तो पानी का यूज नहीं होता, आप कोम्ब कर रहे हो तो पानी का यूज नहीं होता। ऐसी सभी दोनों चीजों की लिस्ट जरूर बनाइएगा, आपकी और ज्यादा नॉलेज बनेगी, सोचने का जो नजरिया है वो बदलेगा, थोड़ा वाइड सोचने की जरूरत है हमें, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा वाटर और वाटर के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मोर और लेस, ज्यादा पानी ज्यादा या कम। ऐसी एक्टिविटी कौन सी है जहां पर हमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जहां हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है इनको, अरेंज किस ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जहां पर हम कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है टू बाथ, ड्रिंक, टू क्लीन, क्लीन द हाउस, टू वॉटर द फील्ड, और टू नीड द डो। सबसे पहले अगर हम यहां लिखें तो वी कैन राइट कि सबसे कम पानी की जरूरत कहां पड़ती है, सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है टू नीड द डो, यानी आटा गूंदने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, राइट। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं ड्रिंक। लेकिन अगर आप देखें कि आटा गूंदने में हमारा एक गिलास आधा गिलास इतने में आटा गूंद जाता है, लेकिन अगर आप देखें ड्रिंक, हमें दिन में 5-6 गिलास 7-8 गिलास जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना पानी पीना चाहिए, राइट। कोई कहते हैं 4 लीटर पीना चाहिए, कोई कहते हैं 3 लीटर पीना चाहिए, बट आपको रेगुलर हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई पानी का 1 गिलास आधा गिलास जरूर पीते रहना चाहिए, राइट। तो वी कैन से दैट कि पानी की कंजप्शन एक दिन में इतनी हो जाती है जितने उससे कम में हम डो भी गूंद सकते हैं, आटे को नीड कर सकते हैं, राइट। टू क्लीन, क्लीन द हाउस, अब हाउस को क्लीन करने के लिए तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे कम हमें नहाने में जरूरत पड़ती है, तो वी कैन राइट हियर टू बाथ, राइट। उसके बाद टू क्लीन हाउस, फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम टू वॉटर द फील्ड, खेतों में पानी देने के लिए तो बहुत सारा पानी जरूरत होता है, उसके लिए तो हमें ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं, सबमर्सिबल चलाने पड़ते हैं, थोड़े बहुत पानी में फील्ड में काम चलता ही नहीं, उसमें क्या फसलें बहुत ज्यादा है, उनको अब ज्यादा फसलें हैं तो यानी ज्यादा पौधे लगे हुए हैं वहां पे, उनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी है। अब कोई एक पौधा लगा हुआ तो उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो फील्ड क्या है, फील्ड है हमारा खेत, खेत में पानी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, राइट। सो एंड में हम ये लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें कहां जरूरत पड़ती है, फील्ड में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉटर फ्रॉम वेयर, कहां कहां से पानी आया, कहां कहां से हमें पानी मिला, कौन से लेक, वेल, ट्यूब वेल, पोंड, वॉटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैप क्या होता है, टैंक, राइट। उसके बाद सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। अब देखो हमने ये सब चीजें बुक्स में बहुत पढ़ी है, मैं थोड़ा सा आपको इनकी पिक्चराइजेशन दिखाता हूं क्या है। जैसे कि हमने ये देखा लेक है,
पहाड़ों के बीच में पानी का एक जमावड़ा बन जाना उसको लेक कहते थे। वेल क्या होता है? वेल होता है एक कुआं। आजकल बहुत कम रह गए हैं, शायद ही कहीं दिखें, लेकिन पहले क्या होता था, वाटर लेवल ऊपर होता था तो एक कुआं खोद लिया जाता था पानी निकालने के लिए। साफ अच्छा पानी होता था वो भी, राइट। अब ये मैंने ट्यूबवेल की बात की थी। ट्यूबवेल खेतों में पानी देने के लिए हम ट्यूबवेल लगाते हैं। ट्यूबवेल क्या होता है कि जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में हमें एक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर को वहां पर रख दिया जाता है, जो कि पानी को ऊपर खींचने में, जो ग्राउंड वाटर है ऊपर खींचने में मदद करता है। और वो ग्राउंड वाटर यानी धरती के नीचे जो पानी है, उस ग्राउंड वाटर को हमारे फील्ड तक, खेतों तक पहुंचाता है, जिससे जो हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं, राइट। अगला क्या है? अगला है पोंड। पोंड क्या होता है? तालाब। ठीक है, कोई छोटा तालाब भी होता है, कोई बड़ा तालाब भी होता है, वो डिपेंड करता है किस एरिया में है, कैसा स्पेस है, राइट। अब ये है हमारा वॉटरफॉल, ये है हमारी रिवर। रिवर क्या है? रिवर बेसिकली बहता हुआ पानी है। बहता हुआ पानी कहाँ से आ रहा है? माउंटेन से, पहाड़ों से बहकर निकल रहा है, वो एक रिवर की फॉर्म में फील्ड में चला जाता है, राइट। फिर उसके बाद है स्ट्रिंग्स, फिर सी है सी, और ये है हमारा हॉट वाटर स्ट्रिंग्स। इसको कह देते हैं गर्म पानी के चश्मे। क्या आपने कभी ऐसा कोई प्लेस देखा है जहां पर गर्म पानी के, यानी धरती के नीचे से गर्म पानी निकल रहा हो? अगर देखा है तो उसका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने नहीं देखा। हैव यू सीन द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट क्या है? डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या ऐसी कोई रिवर है जो आपके विलेज और सिटी से क्रॉस होती है? अगर है तो उसका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मुझे पता लगेगा जो जो भी व्यूअर्स हैं वो किस रिवर के किनारे रह रहे हैं, राइट। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम। क्या आपको किसी रिवर का नाम पता है? उनके नाम भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत सारा ऐसा वर्क हो गया जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जो नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते वो अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन। सो कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं, मैं थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। रिवर है गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब चीजें आप देखेंगे कि बहुत सारी रिवर्स हैं भारत। सो आप जिस रिवर के पास रहते हैं उस रिवर का नाम लिखेंगे। आपको जिन रिवर्स के नाम पता है वो भी नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फर्दर मूव करते हैं। अब आप देखेंगे एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंक वाटर फ्रॉम? जो आपके घर पे पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? क्या आपके घर पे कोई ट्यूबवेल समर्सिबल लगा है, वहां से पानी ले रहे हैं, या टैप वाटर आता है, या टाइमिंग होती है जैसे सुबह 5:30 से 10:30 तक पानी आएगा जैसे शहरों में होता है? गांव में भी टैप का टाइमिंग डिसाइड होता है कि इतने बजे तक ही पानी आएगा, फालतू पानी ना चले, फालतू वेस्ट ना हो, राइट। तो आप बताइए कि आपके घर में किस सोर्स से पानी आता है। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? क्या ऐसी कोई जगह रहते हैं आप जहां पे पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है? ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, राइट। और कितना समय उनको वापस आने में भी लग जाता है। तो अगर हम देखें तो राजस्थान में ऐसे, हमारे देश में राजस्थान में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर बहुत सूखा है, यानी पानी लेने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। ये मतलब कहते हैं एक स्ट्रगल है, यानी पानी की प्यास भी लगी है और उस प्यास को बुझाने के लिए हमें बहुत दूर तक चलना पड़ता है, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हमें और ज्यादा प्यास भी लग जाती है, राइट। डू योर नेबर ब्रिंग वॉटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके पड़ोस वाले जो हैं, आपके पड़ोसी जो हैं, वो भी सेम प्लेस से पानी लेकर आते हैं? अगर नहीं आते तो शायद आप वो चीज सोर्स यूज कर सकते हो जहां से वो पानी अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आप भी वो सोर्स यूज कर सकते हो। और अगर वो आपके साथ लेकर आ जाते हैं तो यानी दोनों का एक ही सोर्स ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं, राइट। व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर करने की जरूरत क्यों होती है? अब आप देखते हो कि जो घरों में टैप आ रही है
उस टाइम में भी सुबह 5:30 से 10:30 तक पानी आ रहा है, लेकिन दिन भर पानी की जरूरत पड़ती रहती है। तो हमें क्या है, ऊपर एक घर के ऊपर एक टैंक रखवा लेते हैं जिसमें पानी की स्टोरेज कर लेते हैं हम, और वो दिन भर वही पानी यूज करते हैं, बिकॉज उसके बाद तो शाम को पानी आना है। तो उस पानी को स्टोर करने के लिए हमने एक टैंक घर में रख दिया। लेकिन जिनके पास टैंक की फैसिलिटीज नहीं होती, वो डिफरेंट टाइप के वेसल्स यानी बर्तन वो यूज करते हैं पानी को स्टोर करने में। कौन कौन से वेसल है वो भी देखेंगे हम। हु फैचेस एंड स्टोर वाटर, आपके घर में पानी स्टोर करने का काम कौन करता है, मदर करते हैं, फादर करते हैं, वो भी आप सोच सकते हैं, राइट। अब देखते हैं, हमें पिक्चर को टिक करना है कि आप कौन से ऐसे वेसल्स या बर्तन यूज करते हैं जिसमें आप पानी को स्टोर करते हैं। बकेट यूज करते हो, लोटा यूज करते हो, मटका यूज करते हो, या कोई कंटेनर यूज करते हो, या टब यूज करते हो, या जग यूज करते हो, आप उस पे टिक कर सकते हो जहां जो भी आप वेसल आप यूज करते हो पानी को स्टोर करने के लिए, राइट, ताकि फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकें। अब एक एक्टिविटी है जो कि एक माइंड एक्टिविटी, आपको सोचना है। ये दो बच्चे हैं हमारे पास, चुटकी और हिरेन, ये आपकी बुक का ही पेज है। तो चुटकी और हिरेन, उनको दो मैंगो शेक बनाकर दिए उनके फादर ने। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको बताना कि इस एक्टिविटी में क्या सही है क्या गलत है, राइट। दोनों जो मैंगो शेक है वो सेम ग्लासेस में डाल दी जो कि स्टील के ग्लास थे, राइट, नॉर्मल ग्लासेस होते हैं जैसे हमारे घरों में। अब क्या होता है, चुटकी कहती है कि मुझे इस गिलास में नहीं पीना, मुझे तो कांच के गिलास में पीना है। अब वो कांच के गिलास का साइज तो छोटा था, लेकिन वो थोड़ा ब्रॉड था, चौड़ा ज्यादा था, स्टील के गिलास से ज्यादा चौड़ा था। तो उसके अंकल ने क्या किया, वो जो मैंगो शेक था वो उस ग्लास वाले वेसल में डाल दिया। डालने का मतलब यानी पूरे का पूरा गिलास उसमें आ गया। ये देखो, ये वाला गिलास सेम यहां है और इसका जो मैंगो शेक है वो इस वेसल में यानी इस गिलास में डाल दिया गया। अब वो कहने लगी, नहीं आपने तो मुझे, अब साइज छोटा हो गया, तो वो कहने लगी नहीं आपने तो मुझे मैंगो शेक कम दिया है, राइट, हिरेन को ज्यादा दे दिया। तो क्या वो सही कह रही है, क्या वही दोनों स्टील के ग्लास के इक्वल अमाउंट का जो शेक था वो इस कांच के ग्लास में पूरा आ गया। आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल इक्वल थे, राइट। दोनों में जो पानी की क्वांटिटी थी या किसी शेक की क्वांटिटी, जो भी लिक्विड है उसकी क्वांटिटी, दोनों में बराबर ही आती है, राइट। तो उसके बाद ये पजल भी आप कर सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, सोर्सेज ऑफ वाटर को आपको सर्कल करना है। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर हैं इस पजल में, उसको आपको सर्कल करना है, जैसे कि एक हिंट दिया हुआ है वॉटरफॉल का। उसके बाद हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज बचती है, उसमें क्या करना है, हमें राउंड सर्कल करना है जो कि सभी में से अलग है। जो भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एक जो डिफरेंट है उस पे सर्कल करना है। क्या, जैसे कि रिवर है, माउंटेन है, लेक है, पोंड है, स्प्रिंग है। अब देखो, रिवर भी पानी का सोर्स है, लेक भी पानी का सोर्स है, पोंड भी पानी का सोर्स है, स्प्रिंग भी, लेकिन माउंटेन नहीं है। तो माउंटेन को सर्कल कर सकते हो क्योंकि माउंटेन वाटर का सोर्स नहीं है। दूसरा क्या है, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर और नीडिंग डो। अब बाथिंग में भी पानी यूज होता है, वॉशिंग क्लोथ्स में भी पानी यूज हो रहा है, स्विमिंग में भी पानी यूज होता है, नीडिंग डो में भी पानी यूज होता है, लेकिन कॉम्ब हेयर, ये जो यानी बालों को कॉम्ब करने में पानी की जरूरत नहीं होती, राइट। तो वी कैन सर्कल हेयर। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टर्टल। अब देखो, आप ध्यान से देखिए, फिश भी पानी में रहती है, डक भी पानी में रहते हैं, क्रोकोडाइल भी और टर्टोइस भी, लेकिन मंकी पानी में नहीं रहते, तो वी कैन सर्कल मंकी। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। कार भी सड़क पर चलती है, बस भी, ट्रेन भी, बाइसिकल भी, बट बोट नहीं चलती, तो वी कैन सर्कल बोट। ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी। उसके बाद अगर चैप्टर में एक कलरिंग वाली एक्टिविटी बचती है वो आप खुद करेंगे। यहां पर हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर इसमें से आपने कुछ ना कुछ अर्जित किया है तो भी लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।